हेलो फ्रेंड्स, बानी इज हियर। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि इस गेहूँ के आटे से आप घर पर बैठे बैठे फेविकोल कैसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा आटा, चीनी और नींबू। इसे बनाने के लिए मैं 3 चम्मच आटा ले रही हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड करूंगी। इस पेस्ट को लंबे समय तक रखने के लिए आप विनेगर यूज कर सकते हैं या लेमन जूस। मैं इसमें लेमन जूस यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इस पेस्ट को पतला करने के लिए पानी मिला रही हूँ। पानी धीरे धीरे कर कर ही मिलाएं, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। मैं इस पेस्ट को पतला बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी इसको बॉईल करूँगी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यह तब भी काम करेगा। आप इस पेस्ट को इतना पतला रखिए। चलिए अब इसे बॉईल कर लेते हैं। इसको बॉईल करते टाइम गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें, नहीं तो नीचे लग जाएगा, और चम्मच चलाते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें। यह ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको इतना थिक रखिए। यह बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं और कभी भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसे चेक करते हैं कितना काम कर रहा है। सो जब भी आप इसको यूज करें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसको सबसे पहले मैं एक नॉर्मल कागज पर ट्राई कर रही हूं। एक न्यूज़पेपर पर एक मोटे कागज पर एक कुंदन पर और एक लेस पर मैंने 2 स्टिक भी लिए हैं लकड़ी। देखते हैं इस पर भी काम करता है कि नहीं। चलो अब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये सूख गया है। चलिए चेक करते हैं कि कितना काम किया। सबसे पहले मैं इस पेपर को निकाल के देखती हूँ। यह ऑलमोस्ट चिपक गया है। दूसरा वाला ट्राई करती हूँ, ये भी चिपक गया है। न्यूज़पेपर ये शायद कुछ ज़्यादा ही चिपक गया है। कुंदन यह भी चिपक गया था अच्छे से। लेस ये शायद अभी सूखी नहीं थी अच्छे से, तो इतनी प्रॉपर चिपकी नहीं है। यह लकड़ी भी ऑलमोस्ट चिपक गई है, आप देख सकते हैं। ये वाला पेपर थोड़ा गीला था इसलिए चिपका नहीं है। आप लोग भी इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं और बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं।